Yes class, in this video I am going to teach you Deepavali scene with simple easy steps. So let's start drawing. First step is draw beautiful girl with easy steps. First हमें face draw करना है girl का. एक little girl हम draw करेंगे. ये आपको line इस type से draw करनी है. Curve, nose shape, then mouth draw करना है. यहाँ चिन ड्राइंग, देन यहाँ से नेक ड्रॉ करनी है. हम आईब्रो आई हमें इस टाइप से ड्रॉ करनी है. और अब हमें कंप्लीट फेस का शेप ड्रॉ करना है. यहाँ से हम ये ईयर ड्रॉ करेंगे. गर्ल को हम ब्यूटीफुल ड्रेस वियर किया हुआ ड्रॉ करना है. तो अभी हमें हेयर स्टाइल दिखाना है. ये देखिए अपर साइड से इस लाइन से हम ऐसे कर्व लेकर आएंगे और ऐसे इजी स्टेप्स के साथ ये हेयर स्टाइल ड्रॉ करेंगे. तो ये हमारा अभी गर्ल का फेस कम्प्लीटली ड्रॉ हो गया है. बॉडी हम ड्रॉ करनी है. ये देखिए ये अब हम हैंड्स ड्रॉइंग हम अपर साइड से हेयर के यहाँ से हमने हैंड्स ड्रॉ करने हैं. ये आर्म्स हम ड्रॉ कर रहे हैं. अब फिंगर हमें ड्रॉ करनी है. ये फिंगर्स हमें ड्रॉ करनी है. हैंड में हम दिया दिखाएंगे. तो दिया हमें इस टाइप से ये हमने दिए का शेप ड्रॉ करा है. जलता हुआ दिया हमें दिखाना है. ये देखिए अब हम फ्रॉक ड्रॉ करेंगे. ये यहाँ से स्लीव्स के डाउन एरिया से ये देखिए कर्व लाइन हमने आउटर एरिया में ऐसे बाहर की ओर लेकर जानी है. अब हम यहाँ से इसका फ्रॉक का डिज़ाइन ऐसे फ्री हैंड बनाएंगे. पेंसिल से ड्रॉ करेंगे. इसको हमें कंटिन्यू करना है. यहाँ से इसको ऐसे डबल करना है इस लाइन को ही. अब इस गर्ल को हम एक स्टूल पे स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाएंगे. ये हमें यहाँ से टू लाइंस लेनी है साइड कॉर्नर से. स्केल की हेल्प से हमें ये लाइंस ड्रॉ करनी है. फर्स्ट हमने लाइन दिस साइड और अदर साइड यहाँ पे हमने इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है. ये यहाँ हमने इसको यहाँ से ज्वाइन करना है. लाइन को हमें क्या करना है, डबल करना है. ये देखिए स्टैंडिंग पोजीशन हमने स्टूल पे दिखाया गर्ल को. अब हम बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे. तो आपको यहां से ये स्केल हमने कहां रखा है, शीट के अपर साइड से आते हुए ये यहां से ये लाइन ऐसे आपको ड्रॉ करनी है. अब स्केल देखिए हम कैसे स्केल रख रहे हैं पेपर पे, इसी वे में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है स्केल रखते हुए. ये हमने लाइन ड्रॉ करा है. अदर साइड एक ऐसे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है. अब इस लाइन को हम स्केल देखेंगे बच्चे कहाँ रख रहे हैं हम. ये स्केल से आपको स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे. अदर साइड से हम ये लाइन हम डबल करेंगे. एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है अभी इसके नीचे. और अब हम यहाँ से इस लाइन को ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे. स्केल देखेंगे हमने कैसे रखा हुआ है. आप वीडियो में स्केल देखेंगे बेटा. स्केल के अकॉर्डिंग आप जैसे हम स्केल रख रहे हैं आप ऐसे ट्राई करेंगे तो इजीली आपको इजी रहेगा ड्रॉ करने का. ये देखिए अब यहाँ से एक लाइन हम अटैच कर देंगे. तो ये हम यहाँ पर इसको फ्लोर पर हम स्टैंडिंग वे में दिखाएंगे. और ये लाइन हम यहाँ से अटैच कर देंगे इस कॉर्नर पॉइंट से, स्टैंडिंग लाइन के इस कॉर्नर पॉइंट से. और यहाँ हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे अगेन. तो ये देखिए आप दीपावली सीन कंप्लीट हो गया है. अब हमें यहाँ पर डेकोरेशन करनी है. तो डेकोरेशन के लिए हम दिया ड्रॉ करेंगे. दिया के लिए हम एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे. ओवल के अंदर एक स्मॉल ओवल और हम यहाँ पर एक लाइट शो करेंगे दिया की. लाइन को थोड़ा रब करेंगे देन आप ड्रॉ करेंगे.
ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसे दिया शो करना है। दिया की लाइट हमें डबल करनी है, दिया की लाइट हमें ये ऐसे यहाँ पर इसको डबल करना है। इस क्लास को आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल सीन हमारा दीपावली सीन ड्रॉ हो गया है। अब हम कलरिंग करेंगे, तो कलरिंग में हमें सिंपल कलरिंग करना है यहाँ पर। तो आप देखेंगे वीडियो ध्यान से और सेम एज इट इज आप ड्रॉ करेंगे एंड कलरिंग करेंगे। कलरिंग में हम क्या कर रहे हैं, पेंसिल कलर यूज़ करेंगे हम। तो बैकग्राउंड में हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जल्दी से, डाउन साइड हम रेड कलर करेंगे इस लाइन में। आपको क्या ध्यान रखना है, हर वीडियो में हम बोलते हैं आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है। तो सेम आपको यहाँ पे भी रेड कलर करना है। तो ये रेड कलर हमने कम्प्लीटली फिल कर दिया है, डाउन साइड भी हमें यहाँ पर रेड कलर फिल करना है। तो स्केल रख लेते हैं हम ऐसा करते हैं, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और लास्ट में हम आउटलाइन करेंगे इसकी। ऐसे ही अदर साइड भी लाइन पे आउटलाइन कर देंगे। तो ये अच्छा इजी स्टेप होता है कलरिंग में, अच्छा मेथड होता है। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, आउटलाइन करेंगे फर्स्ट देन स्पीड के साथ ऐसे कलरिंग कलर फिल कर सकते हैं। साइड लाइन में हमें पिंक कलर फिल करना है, तो यहाँ हम पिंक कलर करेंगे। दिया में हमें ब्राउन कलर करना है, रेड कलर करना है। तो पिंक कलर लाइट होता है, ब्राउन डार्क होता है। थोड़ा बहुत अगर लग रहा है दिया पे कलर तो नो प्रॉब्लम, बट स्केच पेन अगर है तो वो नहीं चल पाएगा। ये कलर लाइट होते हैं तो इसके ऊपर डार्क कलर इजीली हो जाएंगे फिल। इसको हमने कंप्लीट क्या करना है, पिंक करना है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर इसको पिंक कर दिया है। अब हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में पर्पल कलर मैं यूज कर रही हूँ। पर्पल ब्राउन कलर फिल करेंगे। फिनिशिंग हम लास्ट में देंगे कलर्स में। तो आप अभी देखेंगे अभी कितना डल लग रहा है कलरिंग, और देन फिनिशिंग बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आ जाएगा। तो ये हमने ब्राउन कलर्स के अंदर फिल कर दिया है, और अब हमें यहाँ पे पिंक कलर फिल करना है स्टूल के अपर साइड। अब हम गर्ल की क्लोज में फ्रॉक में हम येलो कलर फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पर येलो कलर फिल कर दिया है कम्प्लीटली फ्रॉक में, इसकी गर्ल की फ्रॉक में हमने येलो कलर फिल करा है। अब हम फ्रिल में रेड कलर करेंगे, तो स्केच पेन में यूज करूँगी रेड। कलर्स में ब्राइटनेस के लिए हम स्केच पेन यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल कलर यूज़ करेंगे तो थोड़ा डल रहता है कलरिंग। तो डलनेस को हम दूर करने के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं कलर, स्केच पेन।
ये देखिए बेटा, और स्लीव्स में भी हमने रेड कलर फिल करना है। यहाँ बेल्ट है, बेल्ट में भी रेड कलर करना है, नेक में भी रेड करना है आपको। इस टाइप से रेड कलर डाउन एरिया में कर देंगे। देखिए और अपर साइड हम करेंगे। स्केच पेन यूज कर रहे हैं हम, सॉरी ये फ्रॉक के ऊपर नहीं आना चाहिए कलरिंग, ये क्रियॉन्स कलर थे इसलिए ये रब हो गए हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। यहाँ पे ऐसे आपको ब्राउन कलर फिल करना है। इसके अंदर हम ब्राउन कलर फिल करेंगे। आगे भी हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है। दिए का फ्लेम पे आपको नहीं करना है कलर, उसको बचाना है। अभी हम इसको लास्ट में कलरिंग करेंगे। ये देखिए ये हमने कलर कर दिया है, कलर थोड़ा सा ड्राई है इसलिए अजीब सा इफेक्ट आ रहा है। बाउंड्री में भी हमें करना है ब्राउन कलर। स्केल रख सकते हैं हम ऐसे फिनिशिंग के लिए, पर साइड नहीं जाएगा। इसको जल्दी जल्दी स्पीड के साथ ऐसे हम कर सकते हैं। फिर यहाँ हमने इस स्ट्रिप पे हमने क्या करा है, बाउंड्री में ब्राउन कलर कर दिया। अब हम दिया ड्रॉ करेंगे, दिया हमें ब्राउन कलर से बनाना है, तो अब हमने फिनिशिंग के साथ ये शेप ड्रॉ करना है। इनर सर्कल में हमें रेड कलर फिल करना है, तो अभी हम आउटर सर्कल में ब्राउन कलर कम्प्लीटली ऐसे फिल कर देते हैं। दिया के अभी हमने दिया ड्रॉ करा है, कलर करा है, अब हम सेंटर में मैरून कलर फिल कर देंगे दिया में। जैसा आपकी ड्राइंग बुक में शो किया है वैसे ही आपको फॉलो करना है। डार्क रेड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ। अपर फ्लेम में आपको रेड कलर से फायर इस टाइप से दिखाना है फ्लेम। कहीं कहीं ब्रॉड कर सकते हैं फ्लेम आप। अब हमें सेंटर में येलो कलर दिखाना है फ्लेम में। ऑरेंज कलर भी दिखा सकते हैं इस टाइप से, आप रिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं दिए का। लिटिल गर्ल के अब हमें हेयर स्टाइल दिखाना है, तो उसमें हम ब्राउन ब्लैक कलर करेंगे। इसके अंदर ब्लैक कलर हम कम्प्लीटली फिल कर देंगे। स्केच पेन यूज करेंगे बेटा। फेस में कलरिंग के लिए हम पेंसिल ऑरेंज कलर यूज कर रहे हैं। लाइट हैंड से करना है, बिल्कुल स्किन कलर हमें बिल्कुल लाइट दिखाना है। हैंड में भी हमें यही कलर अप्लाई करना है। और अभी हैंड में दिए में भी हम कलर करेंगे।
अब येलो कलर से आपको क्या करना है, मर्ज करना है इस कलर को, हम येलो कलर से मर्ज कर देंगे साइड साइड, ओनली साइड साइड करना है। ये देखिए अब रेड कलर से लाइट लाइट इफेक्ट शो करेंगे हम फेस में, बिल्कुल लाइट, उसको भी साइड साइड हमें इफेक्ट दिखाना है। हैंड में भी हम ऐसे कर सकते हैं। दिए में हम कलर कर रहे हैं, हैंड में दिया है तो उसको हम कलर कर रहे हैं। अब आपको रेड कलर करना है, फ्लेम दिखाना है आपको, ऐसे रिफ्लेक्शन आप दिखा सकते हैं लाइटनिंग का। यस क्लास, हमारा दीपावली सीन कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिनिशिंग करना है और बैकग्राउंड में ओनली कलरिंग करना है। तो आपको यहाँ पे वाइट एरिया दिख रहा है, यहाँ पे हम ब्लू कलर फिल करेंगे। ये हम ब्लू कलर फिल करेंगे कंप्लीट एरिया में, वाइट एरिया में हमें ओनली। ये ऑयल पेस्टल मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, ईजिली मर्ज हो जाते हैं। ऐसे कम कम क्वान्टिटी के साथ करना है और इसको लास्ट में आप टिश्यू पेपर से मर्ज कर देंगे। गर्ल की गर्ल ड्राइंग से थोड़ा सा आउट रखना है। बैकग्राउंड में हमने ब्लू कलर करा है, अभी आप देखते हैं फिनिशिंग नहीं आई है, तो वाइट कलर हम करेंगे, इससे क्या होगा फिनिशिंग आ जाएगी और इसको लास्ट में हम मर्ज कर देंगे। यस क्लास, ये देखिए आपको, तो अभी कंप्लीट हो गया है सीन। अब हम आउटलाइन करेंगे, ये लास्ट स्टेप है हमारा। तो फर्स्ट हम कर लेते हैं गर्ल के फेस फीचर्स ड्रॉ करते हैं। आई हमें ड्रॉ करनी है, यहाँ से फेस की आउटलाइन करेंगे हम, ये नोज ड्रॉ करेंगे, माउथ, देन चिन, और ये लाइन हम कंटिन्यू करेंगे आगे। यहाँ से हम फ्रॉक का नेक शो करेंगे और हैंड ड्रॉइंग है ये, यहाँ से स्लीव्स, ये हैंड ड्रॉ करना है हमें। दिया के आउटलाइन करनी है और हम हेयर की भी आउटलाइन कर देते हैं। अभी हम ड्रेस की आउटलाइन करेंगे, पॉइंटेड पैन में यूज़ कर रही हूँ ब्लैक। देखिए स्टूल की आउटलाइन करेंगे हम, ऐसे करनी है। फ्लेम भी हम आउटलाइन कर देंगे। ठीक से पकड़ लो, ये हमारा लास्ट स्टेप है।
यस क्लास, तो आपका दीपावली सीन ड्राइंग एंड कलरिंग बहुत कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी ट्राई करेंगे और ऐसे ही ब्यूटीफुली ड्रॉ करेंगे एंड कलरिंग करेंगे।